और सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे संवाददाता अंजना ओम कश्यप हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंजना, श्रीनगर पहुंचना अमित शाह का जम्मू कश्मीर का ये दौरा अपने आप में 370 हटने के बाद काफी अहम हो जाता है। ऐसे में न सिर्फ आज सुरक्षा मामलों की समीक्षा वो करेंगे, बल्कि सीधे सीधे पाकिस्तान को भी एक तरह से जवाब देना है कि जितने भी आप वहां पर आतंकियों को घुसपैठ आप करा ले या फिर आतंकी हमले आप करवा ले, हम अपने लोगों के साथ हैं और किसी भी हाल में हम वहां से, जिस तरह से अब धीरे धीरे कुछ लोगों के पलायन की खबरें हम सुन रहे थे डर से, वो हम होने नहीं देंगे यहां पर। बिल्कुल, और श्वेता, ये पूरी तरह से भारत सरकार एक कोशिश कर रही है कि लोगों का विश्वास ये जगह कि जम्मू कश्मीर सही राह पर निकल रहा है, और इसीलिए गृहमंत्री आज आ रहे हैं। देखिए, तीन बड़ी बातें हैं उसको समझना पड़ेगा। एक तो अनुच्छेद 370 हटने के दो साल बीत चुके हैं, लगभग सवा दो साल, 5 अगस्त को हटा था, उसके बाद से जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है बीते दिनों माइनॉरिटीज की यहां पर, या फिर मजदूर जो पलायन करके यूपी और बिहार से आते हैं, इन सबको लेकर एक विश्वास कैसे यहां पर, क्योंकि लोगों में भरोसा जगे कि हाँ केंद्र सरकार है एंड वो कमांड में है। तीसरी तरफ आपको ये भी बताया था कि सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन से सर्वेलेंस किया जा रहा है, स्नाइपर्स बैन किए गए हैं, क्योंकि तीन दिन का ये गृहमंत्री का दौरा है, खासतौर पर जहां पर माइनॉरिटीज रहते हैं वहां पर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बारिश यहां जबरदस्त हो रही है, हम लोग तो अभी एयरपोर्ट पर ही हैं और जबरदस्त बारिश हो रही है, काले बादल हैं, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, 4 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया है, और शाम होते होते बताया जा रहा है कुछ इलाकों में यहां पर बर्फबारी भी होगी। तो ठंड यहां पर मौसम का जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत का और केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि लोगों के मन में भरोसा है वो दिखाने की। देखिए, पाकिस्तान को बिना बोले, आपको पता है जिस तरह से गल्फ कंट्रीज का यहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस पर अब्दुल बासित जो कि हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो जिस तरह से निवेश लाकर शांतिपूर्ण एक भरोसा लोगों में जगे, उसी की एक कवायद दिखाई देती है श्वेता। बिल्कुल, और साथ ही साथ अंजना जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या वो प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं या फिर वो मैटर्स होने वाले हैं जिसको लेकर यहाँ 3 दिनों के दौरे में अमित शाह यहाँ पर वो करेंगे, किस तरह का कार्यक्रम उनका रहने वाला है। देखिए श्वेता, आज लगभग 12:30 बजे गृहमंत्री रिव्यू मीटिंग जो यहां पर होनी है, एलजी मनोज सिन्हा भी उसमें होंगे, उसको वो चेयर करेंगे। उसके बाद लगभग 4:30 बजे के आसपास वो युवाओं से, वो भी राजभवन से ही उनका कार्यक्रम है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर युवाओं से एक बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, और फिर लगभग शाम के 6 बजे बताया जा रहा है यहां से श्रीनगर से शारजा के लिए फ्लाइट। और अभी भी जब हम लोग फ्लाइट में आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहां से आज शारजा जाने वाले हैं, और जो फ्लाइट है उनके लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि चौको ब्लॉक पूरी तरह से बुक्ड है वो फ्लाइट। तो श्रीनगर को इंटरनेशनली कनेक्ट किया जा रहा है, यहां पे सारे लोग दिल्ली से आ रहे हैं, वो लोग जो यहां से अब शारजा के लिए फ्लाइट लेंगे। तो यहां पर लोगों का ट्रैफिक, लोगों का आना जाना, भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ये विकास का, डेवलपमेंट का, आने जाने का हब बने, लोग ये एक केंद्र बने हिंदुस्तान का, कि यहां से अब देखिए गल्फ कंट्रीज के लिए आप फ्लाइट खोल रहे हैं, ये सबको देखकर बड़ी कोशिश है। उस श्रीनगर शारजा फ्लाइट को 6 बजे फ्लैग ऑफ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अमित शाह। तो ये भी एक बड़ा संदेश होगा, देखिए जिस मुल्क का आपने नाम लिया, जो पड़ोसी मुल्क है हमारा, जो बार बार अलग अलग तरीकों से किसी न किसी तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अब वो अनुच्छेद 370 के हटने के बाद इतना बौखलाया हुआ है, 2.5 साल में कुछ नहीं हुआ, तो उसे लग रहा है कि लोगों के घरों में घुस कर जो बाहर के आए हुए लोग हैं उनको परेशान करो, तो शायद इससे पलायन हो, शायद उनको सफलता मिले। लेकिन ये कोशिश है कि उसको पूरी तरह से थामा जा सके और यहां से एक्टिविटी और भी देश में बढ़ाया जा सके। श्वेता, बिल्कुल, कल उन्हें जम्मू जाना है, आखिरी में बता दूं, कल उन्हें जम्मू जाना है और जम्मू में बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम जम्मू कश्मीर पर्यटन के मद्देनजर किया गया है, उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल फेम के सिंगर्स आएंगे, सूफी गायक आएंगे, तो एक भरोसा जगाने की कवायद है, उसी का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, आएंगे आपके पास और जानकारी लेंगे। और कमलजीत संधू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। कमलजीत, लगातार आप हमें रिपोर्ट्स भी भेज रही है, ये जानकारी भी दे रही है कि वहां पर सुरक्षा की किस तरह के बंदोबस्त है। बस अब थोड़ी ही देर में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं अमित शाह, ऐसे में वहां पर आप अगर हमें दिखा सके कि किस तरह की तैयारी वहां पर और इस वक्त है, क्योंकि पहली बार बताया जा रहा है कि सुरक्षा के भी मामले में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान से भी पैनी नजर वहां पर रखी जाएगी।
देखिए अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे बर्फीली हवाओं और तेज बारिश के बीच में। अभी कुछ देर के लिए थमा है यह मामला बारिश का, लेकिन आपको बता दें हम SKICC के बिल्कुल सामने हैं, तो डल लेक का ये खूबसूरत नजारा आपको दिख रहा है और उसके ठीक पीछे है SKIC जहाँ पे फंक्शन होना है। आज भी एक फंक्शन रखा गया है और परसों यानी 25 तारीख को भी एक फंक्शन है। सूफी सिंगर से भी हमने बात की है तो वो कह रहे हैं एक शांति का जो मैसेज है वो जाना चाहिए। देख सकते हैं किस तरह से धुंध छाई हुई है, पर आपको बता दें कि ये जो शिकारा है जो कि सब जीरो अब यानी बहुत ठंड जैसी लग रही है, तो बीचों बीच जो गश्त लगा रही हैं शिकारा भी हैं और साथ में स्पीड बोट्स भी हैं। यहाँ पे आपको दिखा दें राजभवन जहाँ पे हम खड़े हैं वहां से कुछ ही दूर पे है, तो सिक्योरिटी चप्पे चप्पे में लगाई गई है। जैसे आप बता रहे थे कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि अब बारिश हो रही है और क्योंकि विजिबिलिटी काफी लो है तो इफेक्टिवनेस की बात आ जाती है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे लिखा है गुफकार रोड और राजभवन यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है और पूरी तैयारी की गई है कि सुरक्षा के सारे बंदोबस्त किए जाए। हमें बताया है कि बाई रोड अमित शाह निकलेंगे और हो सकता है किसी एक मार्टर के घर जाए और एक संकेत मिलेगा उससे कि सरकार इस वक्त खड़ी है उन लोगों के साथ में जो कि झेल रहे हैं आतंकवाद को, और क्योंकि सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं तो एक जो सिक्योरिटी रिव्यू है एक मैसेजिंग की जाएगी कि किस तरह से स्ट्रैटेजी चेंज की जाए। ह्यूमन इंटेलिजेंस है, टेक्निकल इंटेलिजेंस है, मैन पावर ऑन ग्राउंड है और अब टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस सबको लेकर आज चकाचक प्रोग्राम है और लगातार अगले दो दिन के लिए भी बिल्कुल आप लोग बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम आगे जानकारी लेंगे।